वर्ग पांच के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुप्रभात। मैं पवन सर आज आप लोगों के आपके हिंदी पाठ पुस्तक हिंदी सौम्या के पाठ संख्या 8 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है गणतंत्र दिवस। गणतंत्र दिवस, मेरे प्यारे बच्चों, गणतंत्र दिवस को हम लोग 26 जनवरी भी कहते हैं। यह हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को बता दें कि गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस हमारे देश का राष्ट्रीय पर्व है और इसे हम लोग पूरे भारतवासी धूमधाम से मनाते हैं। अब हम लोग पाठ की ओर चलेंगे। सबसे पहले आप लोग अपने अपने पाठ पुस्तक निकाल लें और कॉपी कलम भी निकाल लें। मैं आप लोगों को इस पाठ को पढ़कर फिर अपनी भाषा में आप लोगों को बताऊंगा, समझाऊंगा, जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे और जो भी कुछ कठिनाई होगी वह बात फिर क्लासरूम में हम लोग देखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, यह पाठ जो है वह एक पत्र है। मेरे प्यारे बच्चों, यह जान ले कि आज से लगभग 10 या 15 साल पहले लोग अपने दूर अवस्थित सगे संबंधी मित्रों को पत्र के माध्यम से ही, पत्र व्यवहार से ही कुछ जानकारियां देते थे और जानकारियां उन्हें भी प्राप्त होती थी। लेकिन आज आधुनिक समय में, वर्तमान समय में, अब पत्र लिखने की कला लगभग समाप्त हो गई है। लेकिन है, हम लोगों को यह बात जानकारी रखना है कि पत्र कैसे लिखा जाता है। आप जब इस पाठ को देखेंगे तो पत्र कैसे लिखा जाता है उसकी जानकारी आपको इस पाठ को देखने से ही मालूम हो जाएगा। और अगर उसे समझ ध्यान से पढ़िएगा, उसे ध्यान से देखिएगा, तो इसकी जानकारी आपको मिल जाएगी। इसमें दो मित्र हैं। एक मित्र जो गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर जो दिल्ली के लाल किला में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमारे देश के राष्ट्रपति झंडा फहराते हैं और पैरेड होता है, इसे देखने के लिए दिल्ली गया हुआ था, उसकी चर्चा यह इस पत्र के माध्यम से अपने मित्र को बता रहा है। अब हम लोग ध्यान दें, अब हम लोग पाठ पर चलते हैं। लिखा हुआ है, प्रिय मित्र हर्ष, जय हिंद। तुम्हारा पत्र मिला, यह जानकर प्रसन्नता हुई कि तुम अजंता की गुफाएं देख आए हो। मैं भी अपना सहपाठियों के साथ दिल्ली घूम आया। मेरा विचार जाने को का नहीं था, लेकिन यह एक हमारे अध्यापक वर्मा जी ने कहा, सैर कर दुनिया की गालिब जिंदगानी फिर कहा, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहा। मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान दें, हर्ष जो एक बालक का मित्र है उसे संबोधित करके पत्र के माध्यम से बताता है कि तुम्हारा पत्र मिला जिसे मैंने पढ़ा, पढ़कर सारी जानकारी हुई। उसमें हमें यह जानकारी मिली कि तुम अजंता के गुफा देख के आए हो, घूम के आए हो। मैं भी दिल्ली घूम के आया हूँ। मैं तो दिल्ली जाना नहीं चाहता था, लेकिन हमारे एक शिक्षक हैं श्री वर्मा जी, उन्होंने एक शेर सुनाई जो गालिब का लिखा हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों, गालिब बहुत ही प्रसिद्ध शायर हैं। उनके शायर पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उन्हीं के पंक्ति जब मैंने सुना और उन्होंने जब सुनाया तो हमें, मेरे मन में जोश आया कि हम भी दिल्ली जाने के लिए तैयार हो गए। इन पंक्ति को देखकर को सुनकर मुझे जोश आ गया। मैं बुढ़िया बिस्तर बांधकर जाने के लिए तैयार हो गया। हर्ष को बता रहा है वह बालक कि जैसे ही हम श्री वर्मा जी द्वारा गालिब के शेर सुना तो मेरे मन में जोश आ गया और मैं बुढ़िया बिस्तर बांधकर, कहने का मतलब वह तैयार होके उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दिल्ली जाते समय सहपाठियों के साथ हमें गाड़ी के सफर में बड़ा आनंद आया। वर्मा जी भी साथ थे। उन्होंने हमें दिल्ली का इतिहास बताया। उन्होंने कहा,
यह बहुत पुराना शहर है, इसका पुराना नाम खांडवप्रस्थ है। मेरे प्यारे बच्चों अब ध्यान दो, अब वे लोग यात्रा पर हैं और यात्रा के क्रम में उनके साथ उनके अध्यापक श्री वर्मा जी भी हैं और उस यात्रा के क्रम में उनके शिक्षक दिल्ली के इतिहास के बारे में बताना शुरू कर देते हैं और वे बताते हैं कि यह दिल्ली शहर बहुत पुराना शहर है, इसका पुराना नाम खांडवप्रस्थ है। मेरे प्यारे बच्चों आप महाभारत में भी सुने होंगे, जब देखे होंगे आप टीवी रामायण टीवी पर देखे होंगे तो उसमें खांडवप्रस्थ, जब महाभारत देखे होंगे तो उसमें खांडवप्रस्थ की चर्चा की गई है। दिल्ली का पुराना नाम खांडवप्रस्थ था, फिर उसका उसका नाम में बदलाव आया तो खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ हुआ, जो आप आगे पढ़ेंगे। पांडवों ने इसको अपनी राजधानी बनाया था और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा था। आगे कहते हैं कि पांडव जो महाभारत में अर्जुन भीम नकुल सहदेव वगैरह के उसको कहते हैं, युधिष्ठिर भीम नकुल सहदेव अर्जुन, इनको पांडव कहा जाता है और उन्होंने अपना राजधानी इसी दिल्ली शहर में बसाए थे और इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखे थे। इसका दिल्ली नाम 1000 वर्ष से अधिक पुराना नहीं है, कहने का मतलब है आज जिस जो कहने का मतलब पुराना शहर जो इंद्रप्रस्थ था अब उसे दिल्ली कहते हैं, वह लगभग 1000 वर्ष पुराना है, उससे ज्यादा का नहीं है। कहने का मतलब है कि यह 1000 वर्ष से ही हम इस शहर को जो इंद्रप्रस्थ पहले कहलाता था उसे अब दिल्ली कहा जाता है। दिल्ली में हम 3 दिन ठहरे, वहां हमने बहुत से ऐतिहासिक स्थान देखे जिसमें कुतुब मीनार, लाल किला, जमा मस्जिद मुख्य है। अब वो अपने मित्र को बताता है कि हम दिल्ली में 3 दिन ठहरे थे जिसमें ऐतिहासिक स्थान देखे जिसमें प्रमुख रूप से कुतुब मीनार, लाल किला, जमा मस्जिद मुख्य है। कुतुब मीनार दिल्ली की पुरानी इमारतों में से एक है। इमारत तो इमारत शब्द का अर्थ होता है भवन, बिल्डिंग। कहते हैं इसे सन 1200 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। अब देखो यहां पर कुतुबुद्दीन द्वारा बनाया गया कुतुब मीनार के बारे में चर्चा करने हो रहा है, उसके बारे में बताता है कि यह 1200 ईस्वी में कुतुबुद्दीन नामक एक शासक जो हमारे देश में शासन करने आए थे उनके द्वारा यह इमारत बनाया गया था। इसकी ऊंचाई 280 फुट के करीब है, इसके अंदर 379 सीढ़ियां हैं। कहने का मतलब है कि आप बता रहे हैं कि यह भवन का ऊंचाई जो है वह 280 फुट है और इसके अंदर लगभग 379 सीढ़ियां हैं। लाल किला बादशाह शाहजहां ने 1638 ईस्वी में बनवाया था। यह लाल पत्थर का बना हुआ है, यह बड़ा मजबूत और सुंदर है। अब लाल किला के बारे में बताया जा रहा है, बताते हैं वह अपने मित्र को बता रहा है कि लाल किला का निर्माण बादशाह शाहजहां ने 1638 ईस्वी में बनवाया था, निर्माण करवाया था। यह लाल पत्थर से बना है और सुंदर के साथ साथ मजबूत भी है। मुगल बादशाहों के समय इसमें दरबार लगते थे। दीवाने खास की दीवार पर एक जगह फारसी में शेर लिखा हुआ है जिसका अर्थ है अगर विश्व में स्वर्ग बसता कहीं है, अरे वह यही है, यही है, यही है। कहते हैं कि उस कुतुब मीनार में पहले बादशाहों का दरबार लगा करता था, बादशाह दरबार लगाते थे। और उस लाल किला के एक दीवार पर लिखा है कि अगर इस संसार में कहीं अगर कोई स्वर्ग है तो वह दिल्ली में है और यह कुतुब मीनार क्या कहते हैं लाल किला में है। जमा मस्जिद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा मस्जिद है, जैसा कि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में यानी हमारे देश का सबसे बड़ा मस्जिद जमा मस्जिद है जो दिल्ली में स्थित है। इसे भी कला प्रेमी बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। अब जान लें कि इस जमा मस्जिद को भी बादशाह शाहजहां ने ही बनवाया था।
शाहजहां कला प्रेमी होने के साथ ही साथ धर्म परायण भी थे। कहते हैं कि शाहजहां कला के प्रेमी थे लेकिन वह धर्म को भी मानते थे, धर्म परायण थे। वह हर शुक्रवार को बड़े जुलूस के साथ इस मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था। आज भी शुक्रवार के दिन सब लोग बड़ी संख्या में जमा होकर नमाज पढ़ते हैं तो इस मस्जिद की रौनक देखने के काबिल होती है। कहते हैं कि बादशाह शाहजहां हर एक सप्ताह के शुक्रवार के दिन यहां पर आके नमाज पढ़ा करते थे और वह परंपरा आज भी चली आ रही है। आज भी इस जमा मस्जिद में लोग आके जब लोग नमाज पढ़ने के लिए आते हैं तो इसकी सुंदरता देखने को लगता है, मन देखते ही रह जाता है। यह सब स्थान हमने दो दिन में देख लिया। कहता है कि यह सब सारी ऐतिहासिक स्थान जो थे, बिल्डिंग जो थे, वह हम दो दिन में देख लिए। तीसरे दिन 26 जनवरी थी। कहते हैं कि अब तीसरा जो दिन था मेरे दिल्ली प्रवास का वह 26 जनवरी था। वर्मा जी ने बताया कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस का उत्सव देखने योग्य होता है। कहते हैं कि उनके अध्यापक ने बताया कि अगर आप दिल्ली में हैं और क्या कहते हैं कि अगर दिल्ली में आप हैं और दिल्ली के गणतंत्र दिवस का परेड या गणतंत्र दिवस का उत्सव आप नहीं देखें तो क्या देखें, बहुत ही अच्छा होता है, यह देखने लायक होता है। हम लोग बहुत सुबह उठे और तैयार होकर राजपथ की ओर चल दिए। वहां बड़ी भीड़ थी, स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े बड़ी उत्सुकता से राष्ट्रपति की सवारी की प्रतीक्षा कर रहे थे। अब जहां परेड होता था, कहने का मतलब लाल किला के पास से जो रास्ते गुजरते हैं उसको कहते हैं राजपथ। और जब वे लोग सुबह में उठ के जब वे लोग वहां पहुंचे तो उससे पहले वहां पर भीड़ जमा थी, बहुत सारे लोग आए हुए थे और हर कोई यह इंतजार या इस बात का आशा देख रहा था कि हमारे देश के राष्ट्रपति आए और झंडा उत्तोलन हो और हम लोग परेड देखें। कहते हैं करीब 9 बजे राष्ट्रपति की गाड़ी राजपथ पर आती हुई दिखाई दी। मंच के निकट जाकर गाड़ी रुकी। प्रधानमंत्री ने उठकर राष्ट्रपति का स्वागत किया। राष्ट्रपति को तोपों की सलामी दी गई। फौजी बैंड ने राष्ट्रगीत धूम बजाई। राष्ट्रपति ने अपने हाथों तिरंगा झंडा फहराया। इसके बाद राष्ट्रपति के सामने से जुलूस निकलना शुरू हुआ। अब कहते हैं क्या क्या होता है उसके बारे में देखिए। सब लोग राष्ट्रपति के आने का इंतजार कर रहे थे। लगभग 9 बजे के करीब राष्ट्रपति आए। आने के बाद मंच के पास वे उतरे। उतरने के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्हें तोपों की सलामी दी गई, कहा है ना, और फौजी लोग माने हमारे जो फौज होते हैं, सेना जो होते हैं, वह उनके स्वागत में, राष्ट्रपति के स्वागत में राष्ट्र गीत गाकर उनका स्वागत करते हैं। यह धुन बजाया गया। फिर हमारे देश के राष्ट्रपति ने झंडा फहराए और उसके बाद उनके सामने से जुलूस निकलने लगा। जुलूस के सबसे आगे सैनिकों का प्रदर्शन था, थल सेना, उसके बाद जल सेना और अंत में हवाई सेना आके रंग बिरंगी वर्दियों में मार्च करते चले जा रहे थे। उनके पीछे ऊंटों पर राजस्थान के सिपाही थे। उनके पीछे तरह तरह के टैंक और तोप थे। अब बताता है बच्चा, बालक बता रहा अपने मित्र हर्ष को कि जब राष्ट्रपति के सामने से जब जुलूस निकलने लगा तो उसमें सबसे पहले थल सेना था, उसके बाद जल सेना, उसके बाद वायुसेना, उसके बाद विभिन्न प्रकार के झांकियां हमको देखने का मिला। और उसके पीछे पीछे कई तरह के हमारे देश के बहुत सारे तोप जो हैं, राजस्थान के सिपाही थे, विभिन्न राज्यों के सिपाही जो अपना कला को प्रदर्शित कर रहे थे उसे हम लोगों ने देखा। उसके बाद हाथियों और घोड़ों की जुलूसात थे। हाथियों ने राष्ट्रपति के सामने पहुंचते ही सूंड उठाकर सलामी दी। अब कहता है वह बालक हर्ष से कि जब हम ऊंट के हाथी को देख लिए, ऊंट का जुलूस को देख लिए, तब हाथी का जुलूस आया और हाथी के जुलूस में
हाथी जब राष्ट्रपति के सामने पहुंचा तो वह सूर उठा के हमारे देश के राष्ट्रपति को अभिवादन किया और इसे देखकर लोग तालियां बजाने लगे। यह देखकर लोग प्रसन्न होकर तालियां बजाने लगे। इसके बाद अलग अलग राज्यों की झांकियां थी। महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान और गुजरात की झांकियों में वहां के स्त्री पुरुषों की वेशभूषा देखने योग्य थी, कहती है देखने योग्य थी। अब बताता है कि जब हाथी का जुलूस खत्म हो गया, निकल गया, उसके बाद हमारे देश के विभिन्न राज्यों के जुलूस निकले, जिसमें मुख्य रूप से क्या कहते हैं कि महाराष्ट्र, बंगाल, राजस्थान और गुजरात की झांकियां जब निकली तो वहां के स्त्री पुरुष के वेशभूषा देखकर मन आनंदित हो गया, देखने लायक था। इसके बाद स्कूल के विद्यार्थियों की टोलियां कदम मिलाकर चल रही थी, आकाश में विमान मंडरा रहे थे और फूल बरसा रहे थे, लोग रंग बिरंगे गुब्बारे आसमान में उड़ा रहे थे। बता रहा है कि जब यह सब जुलूस खत्म हुआ तब हाई स्कूल के विद्यार्थी लोग टोली बिना बनाकर एकदम कदम ताल मिलाकर राष्ट्रपति के सामने से गुजर रहे थे और ऊपर आसमान में विमान फूल की वर्षा कर रहे थे। शाम के समय हम लोग रोशनी देखने गए। राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, संसद भवन, इंडिया गेट जगमगा रहे थे। नई दिल्ली के बाद हमने पुरानी दिल्ली जाकर चांदनी चौक की रोशनी भी देखी। परेड देखने के बाद वे लोग शाम के समय पुनः जो दिल्ली के शोभा देखना, जो शोभा देखने की बात होती है तो शाम के समय और वहां पर बिजली की कलाकृति होती है, वे लोग राष्ट्रपति भवन गए जहां पर राष्ट्रपति भवन, सचिवालय, संसद भवन और इंडिया गेट जाकर बिजली की चमचमाती नजारों को देखें। दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, यहाँ सभी राज्यों के लोग बसे हुए हैं। यदि किसी को एक भी जगह भारत की झांकी देखनी हो तो उसे दिल्ली की यात्रा करनी चाहिए। अब कहता है वह बालक कि दिल्ली हमारे भारत की राजधानी है, कहने का मतलब हमारे हम जिस देश में रहते हैं उसकी राजधानी दिल्ली है। अगर किसी भी लोग, किसी भी मनुष्य को अगर सारे राज्य की झांकी एक ही जगह देखना हो तो वह दिल्ली में 26 जनवरी के दिन जो होता है, वहां का जो उत्सव होता है गणतंत्र दिवस पर जो समारोह होता है, उसमें विभिन्न हमारे देश के सारे राज्य को जो वहां पर अपना प्रस्तुति देना चाहते हैं उनका झांकियां निकलता है और यह देखने का मौका 26 जनवरी का होता है और इसे लोगों को देखना चाहिए। पत्र बहुत लंबा हो गया है, कहता है अंत में कि पत्र बहुत बड़ा हो गया है, अब मैं समाप्त करता हूँ। माताजी और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, तुम्हारा मित्र कार्तिक, है ना। कहने का मतलब जो पत्र लिखा था उसका नाम कार्तिक था। कार्तिक अपने मित्र को, अपने मित्र हर्ष को पत्र लिखकर अपनी दिल्ली यात्रा के बारे में और खास के उस समय जब उनका यात्रा था जब हमारा देश गणतंत्र दिवस, हमारे देश का गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी का समय था। आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।